बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ये मैं आपको ये वीडियो क्लिप साथ में अभी चलाकर यहाँ पर साथ में दिखा देता हूँ। और ये एक लड़की के मतलब सोशल मीडिया के ऊपर अभी इसकी वीडियोस और इसकी पिक्चर वायरल हो रही हैं। हुआ क्या, सीन क्या हुए, इसकी कुछ पिक्चर वगैरह साथ में आपको दिखा रखा हूँ, कुछ वीडियो क्लिप्स आपके दिखा दूंगा। और कल आपको जैसा कि पता है, कल इस टाइम तो सऊदी अरब में जश्न शुरू था और आज सारा दिन भी जश्न वाला ही समा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स में 50+ में 50% तक डिस्काउंट लगाएगी। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी दिन के तकरीबन 12-1 बजे, तो उसमें तमाम डिटेल मैंने शेयर की थी। अगर आप किसी मार्केट का विजिट करना चाहते हैं तो कल यौमुल वतन जैसी डिस्काउंट चल रही थी, तो पूरी सऊदी अरबिया में आज छुट्टी थी आपको पता है। तो ये खातून जो है जी अर्जेंटाइन की हैं, और कल आपको पता अर्जेंटाइन यानी कि मैसी की टीम और सऊदी अरबिया की टीम के दरमियान फुटबॉल का मैच था और सऊदी अरबिया ने विन किया। एक अपसेट मैच हुआ जिसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी बंदों को कि ऐसा भी हो सकता है, मैसी की टीम को सऊदी अरबिया हरा सकता है, तो ऐसा ही हुआ जी। तो ये जो खातून है, मैच से पहले इसके कुछ वीडियो क्लिप यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जब ये आई हैं तो इनको बोला जा रहा था कि कौन विन करेगा, तो ये आगे से बोल रही थी कि अर्जेंटाइन विन करेगा, सऊदी अरबिया किधर जीत सकता है। और आगे से एक क्लिप में ये भी बोल रही थी कि समझ तो जाते हैं आप भाई, यानी कि ईद मुबारक आगे से बोले जा रही है ऐसे उनको। तो बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर ये खातून इन रही, और उसके बाद जब मैच ये सऊदी अरब ने विन किया और इनको बहरहाल बंदों की तरफ से फिर इनको बाय बाय टाई टाई बोला गया कि आपकी टीम तो हार चुकी है, ये आगे से भाई फिर रोने वाला मुंह लेकर बातचीत कर रही थी। तो बात ये है कि इनकी ये कुछ क्लिप्स वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, और उसकी रीज़न ये थी कि पहले ये बता रखी थी कि अर्जेंटाइन तो विन है, सऊदी अरबिया तो कैसे इसको हरा सकता है। और बाद में जब क्लिप सऊदी अरबिया जीत गया तो उसके बाद फिर बंदों ने इसकी पिक्चर और इसकी कुछ वीडियो क्लिप से शेयर करना शुरू कर दिए। तो जो भी है जी, एक खेल है और खेल को मैं मानता हूँ खेल तक ही रखा जाए तो बेहतर यही होता है। बहरहाल आप इसके मतलब अपनी राय क्या देते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।